बड़ी खबर झांसी के बरुआ सागर से है, जहां स्थानीय निर्वाचन कर्मचारियों की लापरवाही के चलते कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर मतदान करने आए बुजुर्ग दंपत्ति को उस समय निराशा हाथ लगी जब वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर बुजुर्ग दंपत्ति फूट फूट कर रोने लगा। हमारे संवाददाता आनंद मोदी ने बुजुर्ग दंपत्ति से वोट न डालने के कारण से लेकर विस्तार से चर्चा की। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का मतदान जारी है। तेज धूप तपिश के बावजूद जो नवयुवक मतदाता है, नया मतदाता है, लगातार कहीं ना कहीं वोट करने का प्रयास कर रहा है, वोट देने के लिए आ रहा है। धूप की तपिश के बावजूद भी प्रयास करना है। एक बिटिया हमारे सामने मौजूद है। बेटा, क्या नाम है आपका? रिया यादव। आपने आज पहली बार वोट किया है? जी हाँ। आपने जो वोट किया है, सरकार आप चुनने जा रही हैं, किस तरीके की सरकार चुने, क्या अपेक्षाएं आप? मैं कांग्रेस को चुनना चाहूँगी। बेरोजगारी क्योंकि ज़्यादा है और हम लोग मतलब बेरोजगार हैं। जो सरकार बनने जा रही है, उससे आपकी जो आपके गांव की समस्याएं हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, क्या चाहेंगे महिला सुरक्षा के लिए, किस तरीके से आप सरकार बनाना चाहेंगे? कांग्रेस को चुनेंगे हमारे। ये बिटिया थी, ये कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि जो महिला सुरक्षा है वो हम कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, हम उसको चुनना चाहेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ कुछ यहाँ पे जो एक मतदान केंद्र है, वहाँ पे लगातार कुछ अनियमितताएं भी सामने मिली हैं, बीएलओ की अनियमितताएं सामने मिली हैं। ये दादा हमारे सामने मौजूद, इन्हें पिछले कई वर्षों जब से ये 18 बालिग हुए थे तब से लगातार कम से 10 बार इन्होंने वोट डाले, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही, स्थानीय लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं ये वोट डालने से वंचित हो रहे। दादा, क्या नाम है आपका? भगवान दास। पहले कितनी बार वोट डाला है? कई बार डाल चुके हैं। इस बार वोट क्यों नहीं डाल पा रहे हैं? अब ये नाम नहीं आया, लिस्ट ही नाम नहीं आया। ये किसकी कमी है? कहीं ना कहीं आप इसमें रोष्ट है कि नहीं है? अब सब नहीं रोष्ट है, लेकिन नहीं डाल दे रहे अभी तो। इसके साथ ही एक बुजुर्ग महिला भी हमारे साथ हैं, वो ये भी इस चीज से पीड़ित हैं। भाई, क्या नाम आपका? भगवती है। पिछले कितनी बार वोट डाला आपने? हर बार डाली। इस बार वोट नहीं डाल पा रही है? क्यों, क्या कह रहे हैं ये लोग? देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अनियमितताएं, प्रशासनिक लापरवाही सीधे सीधे सामने आ रही है। इससे जो वोटिंग का प्रतिशत है लगातार कम होने की आशा नजर, जबकि जब आप देखें जो राज्य निर्वाचन आयोग है, केंद्र निर्वाचन आयोग है, लगातार वोटिंग बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन स्थानीय लापरवाही के चलते ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। वोटिंग प्रतिशत कहीं ना कहीं होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप साहू के साथ आनंद मोदी, झांसी।